खरगोन के विवेकानंद कॉलोनी में निवास करने वाले रिटायर्ड सुप्रीडेंट इंजीनियर एरिकेशन विभाग के जयप्रकाश जायसवाल उम्र 77 वर्ष का आज निधन हो गया। उनकी चार बेटियां ही हैं। तीन बेटियों ने पिता की अंतिम यात्रा गाजे बाजे के साथ खुद अपना कंधा देकर निकाली। बेटियों के नाम भी उन्होंने मंजूश्री, बिंदुश्री, राजश्री और पद्मश्री रखा था। शुरू से ही स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए प्राकृतिक चिकित्सा से बेटियों को जोड़ा। उन्हें स्वतंत्रता के साथ संस्कार दिए और एजुकेशन दिया। चारों बेटियों को बेटों की तरह पालते हुए तीन बेटियों को प्राकृतिक चिकित्सक बनाया। एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रही है, वह विदेश में होने से नहीं आ पाई, इसलिए तीन बेटियों ने पिता की अंतिम यात्रा गाजे बाजे के साथ खुद अपना कंधा देकर निकाली, जिसमें समाजजन एवं शहर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। शहर के कुंदा तट स्थित मुक्तिधाम में तीनों बेटियों ने पिता को मुखाग्नि दी। सभी उपस्थित जनों ने बेटियों को बेटों की तरह पिता का अंतिम कार्य करते हुए देख साधुवाद दिया। बेटियों ने इस अवसर पर कहा कि सभी के माता पिता अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश देते हैं, मगर हमारे पिताजी ने हमें खुद के पैरों पर खड़े रहना, अनुशासन में रहना सिखाया, अच्छा एजुकेशन दिया एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखने हेतु हमें प्राकृतिक चिकित्सा से जोड़ा। आज उन्हीं की प्रेरणा से हमने हमारे बच्चों को भी प्राकृतिक सेवाओं से जोड़ दिया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। या नारी को किस तरह से ऊंचा उठाना चाहिए, हम चार बेटियों को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, मनोबल संबल देना चाहिए, सब कुछ उन्होंने इतने अच्छे से, आज याद आता है कि अरे पापा कितने अच्छे थे, कितना कुछ समझा के, आसानी से समझा के चले गए। मम्मी को इतने अच्छे से समझा दिया उन्होंने, सालों पहले समझा दिया, सिखा दिया कि सारी जिम्मेदारियां कैसे संभालनी चाहिए, आगे बढ़ो, मैं नहीं कर पाया तो क्या हुआ, तुम करो, मैं अगर नहीं करूंगा तो तुम क्या करोगी, समय रहते उन्होंने उन्हें समझा दिया आगे। आज मम्मी को देख के भी हमें लगता है, प्राउड फील होता है कि अगर हम कहीं देखें तो हमारी माँ इस उम्र में हमसे आगे हमें नजर आई। जीवन में कभी हारना नहीं चाहिए, ऐसा सिखाया। हमारे चाचा जी का देहांत हो गया है और उनकी श्री जयप्रकाश जी जायसवाल रिटायर्ड इंजीनियर PWD और हम उनकी यात्रा में आए। उनके बेटा नहीं है, उनको चार पुत्रियां हैं जो कि उनकी चारों पुत्रियों ने आज उनको कंधा दिया है और यहां तक सब जान में आई है, उन्होंने उनको अग्नि दी है। बड़ी पुत्री उज्जैन में है मंजूश्री, और सबसे छोटी बिंदुश्री बम्बई में है, और छोटी सबसे छोटी जयश्री इंदौर में है। चारों बेटियों को काफी एजुकेशन दिया है और सभी को डिग्रियां दिलाई है चारों बेटियों को उन्होंने, अपने जीवन में उनको अपने पैरों पर खड़ा किया हमारे चाचा जी ने। मेरा नाम आधार कार्ड जनक सुनील जायसवाल, इंदौर से हूँ, और मेरे चचेरे चाचा जी हैं। बहुत ही अच्छे दिवस पर, बैकुंठ चौदस पर मेरे पिताजी ने अपने प्राण उत्सर्ग किए। मेरे पिताजी के बहुत ही कार्य जो है वो प्रशंसनीय रहे हैं और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। एक्चुअल में हमारे दादाजी जो थे वो प्राकृतिक चिकित्सक थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो 20 वर्ष फलाहारी भी रहे हैं। उनसे हमारे पापा ने चिकित्सा सीखी। दादाजी का नाम हमारे नारायण दास जी जायसवाल था और मेरे पिताजी का नाम जयप्रकाश जायसवाल इंजीनियर। उनके हम लोग चार लड़कियां ही हैं और हम लड़कियों को उन्होंने पुत्र के भांति पालन पोषण दिया और हर तरह की वो शिक्षा दी, वो स्वतंत्रता दी, जिससे हम आज अपने पैरों पे खड़े होने में सफल रहे हैं। हमारे पिताजी अनुशासित थे, वो हमको स्वतंत्रता देते थे लेकिन अनुशासन में किस तरह से रहना ये भी सिखाया उन्होंने। स्वास्थ्य प्रेमी थे, वो अखाड़ा जाते थे, स्वास्थ्य को किस तरह से संभालना चाहिए, खुद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते थे और हमको भी उन्होंने सिखाया। और उनके इस शिक्षा को हम प्राकृतिक चिकित्सा में के रूप में उसको आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे बच्चे भी प्राकृतिक चिकित्सक हैं और कोशिश करते हैं हम कि प्राकृतिक चिकित्सा लोगों तक पहुंचे। हम इस क्षेत्र में भी कार्यरत हैं हमारे इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के, है ना, हम अपना खुद का प्राकृतिक चिकित्सा योग सेंटर भी चलाते हैं। आज आप लोगों ने आज हमारी मम्मी
ने जो कि खुद बहुत कम पढ़ी लिखी थी और बचपन में ही उनके माता पिता भी स्वर्ग सुधार गए थे, लेकिन पिताजी ने उनको भी शिक्षित किया और इतना मनोबल प्रदान किया कि आज वो इस करीब 68 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने बहुत दृढ़ता से पिताजी की देखभाल करी और हमको भी संबल प्रदान करती हूँ उनसे, हमको भी उनकी एक्टिवनेस और काफी संबल प्राप्त होता है। उनको देख के हम काफी कुछ सीखते हैं कि जीवन में आई कठिन परिस्थितियों का किस तरह से सामना करना चाहिए। वैसे तो सभी माता पिता सभी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, अच्छी तरह से उनका बच्चों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन हमारे पिताजी और माताजी का स्पेशल गुण यही था कि वो प्राकृतिक चिकित्सक थे, तो उन्होंने स्वास्थ्य को किस तरह से संभालना ये भी हमको सिखाया। आज आप सभी ने कंधा भी दिया पापा को। हाँ, ये सिर्फ हमारे पिताजी का ही इस दिया हुआ एक गुण था जो हम इतना साहस कर पाए कि आज उनको हम कंधा प्रदान कर पाए। वो उनके लिए मैं एक पुत्र की भांति थी, वो मेरे को बेटा कहके ही बुलाते थे। उन्हीं की मंशा रही होगी, उनकी मुखाग्नि मैंने दी, उनकी मंशा भी रही होगी। जी जी जी, हालांकि वो अपने नातियों को भी बहुत प्रेम करते थे, अगर नाती भी देते तो वो खुश होते, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मैंने परिस्थिति ऐसी थी कि मैंने देना उचित समझा। सुलझे हुए और समझदार व्यक्तित्व के स्वामी रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।